नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर से सीधा सीधा ये समझ में आता है कि तीन गुना ज्यादा लाभ देने वाला एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें आप काम करें तो आपको कई सारे लाभ जो है वो मिल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना चाहिए हमें कि छह ऐसे हमारे नक्षत्र हैं जो ये योग को बनाते हैं, और खास डेज अगर पड़ जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ये योग बहुत पुख्ता हो जाता है। अब सबसे पहले हम अगर कि हम नक्षत्रों की बात करते हैं, विशाखा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, ये सारे नक्षत्र जब होते हैं तो ही बनता है आपका त्रिपुष्कर योग। अब ये योग कब बन रहा है? ये 30 तारीख को बन रहा है। इसे हल्के में मत लीजिएगा। आप बड़े समय से, जैसे हम कहते हैं ना, नवरात्रि में ये उपाय कर लीजिए, नवरात्रि में आप मुहूर्त कर लीजिए, नवरात्रि में आप बड़ा दुकान का आप इनॉग्रेशन कर लीजिए, मकान का आप मुहूर्त कर लीजिए, नामकरण कर लीजिए, तो त्रिपुष्कर में बड़ा ज़्यादा फायदा मिलता है अगर आप इस तरीके के काम करना चाहते हैं। यानी बड़े समय से अगर आपने कुछ अपने काम रोके हुए हैं, पेंडिंग किया हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करने वाले थे आप, या इन्वेस्टमेंट के प्लान के हिसाब से आपने कुछ सोच रखा है कि हम कुछ कार्य कर ले, तो 30 तारीख का जो दिन है वो बड़ा चमत्कारी दिन है आपके लिए। अब ये तो 6 नक्षत्र तो मिल गए जिनसे आपका ये त्रिपुष्कर जो योग है वो बन जाता है। अब त्रिपुष्कर योग की एक इफ एंड बट भी बताते हैं, एक फायदा और कुछ नुकसान। अब नुकसान कैसे होता है? अगर त्रिपुष्कर योग कोई ऐसी समस्या आई हो आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी के घर में डेथ हो गई, तो उस समय त्रिपुष्कर योग बना हुआ, या कोई बड़ा नुकसान हो गया उस समय त्रिपुष्कर योग बना हो, या कोई अग्नि की घटना होगी उस समय त्रिपुष्कर योग, तो यहाँ पे भी तो 3 गुना लाभ मिल गया ना फिर। और यानी 3 गुना लाभ हर चीज़ में, चाहे वो अच्छा फैक्टर हो चाहे वो बुरा फैक्टर हो। तो यहाँ पे हम आपको देखिए, अवेयर होना ना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसको एक पहलू में नहीं देख सकते, इसको दूसरा पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू को, जहाँ नेगेटिव हो रही हो ना चीज़ें, उसे ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए पहले। जो अच्छी हैं वो हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, वो आपको पता भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आप नेट पर सर्च कर लेते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर कहीं भगवान ना करे कभी अभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाए जो त्रिपुष्कर योग में हुई हो, तो आप उसका 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको वहाँ अवेयर कैसे रहे, वहाँ बचाव कैसे कहें कि चलिए एक घटना हमारे साथ हुई तो कम से कम एटलीस्ट वो बढ़े ना, ज़्यादा नुकसान ना हो, उसे भरपाई आप कैसे तैसे करके कर लेंगे। लेकिन उसके 3 गुना ज़्यादा अगर के वही चीज़ हो गई तो आप कैसे उसको संभालेंगे? सिचुएशन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनफैक्ट नामुमकिन हो जाता है कि हम सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। तो यहाँ त्रिपुष्कर का सिर्फ आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट समझिए पहले, वहाँ समझ लीजिए ताकि आप अपने आप को पहले बचा पाएं और गाइड कर सकें। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बचाव ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बेनिफिट्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन आप बचना और बचाना दूसरे को, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अब सबसे पहले हम इसका जो ड्रॉ वाला वो पॉइंट है पहले वो बता रहे हैं। अगर आपके घर में इस तरीके की कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, त्रिपुष्कर योग में ही बनी हुई है, तो सबसे पहले किसी विद्वान की सलाह लीजिए, किसी नॉलेजेबल व्यक्ति की सलाह लीजिए, जो शास्त्रों को जानते हों उनकी सलाह लीजिए, पंडित जी की सलाह लीजिए, और कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज़ अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, क्योंकि इसका नुकसान 3 गुना बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अपने लिए पहले सेफ्टी तैयार करिए। भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कभी अगर हुआ या ऐसे टाइम पे ये योग बना हुआ है, तो कई बार आप सुनने को मिलते हैं ना, अभी हुआ इनके घर में, अभी देखिए फिर से कुछ हो गया, अभी फिर से देखिए कुछ हो गया, तो ये सुनना भी कितना बुरा लगता है। तो सोचिए जो फेस करते हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल की बात होती है, कितना वो समय होता है उनका कठिन, कि उसे निकलना इनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये वीडियो को ना शेयर पहले कीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये सेफ्टी पॉइंट की वीडियो जो है वो रहे। अब इसमें करना क्या क्या चाहिए? डेफिनेटली पूजा भक्ति ज़रा करनी चाहिए ऐसे टाइम पे, एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर आपदा आती है तो हमें ये नहीं समझ आता कि हम करें क्या उस समय। लेकिन हम आपको इसीलिए अवेयर कर रहे हैं कि आप किसी विद्वान की सलाह लेकर के कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय ज़रूर कीजिए, ताकि जिससे
आपका जो सेफ्टी पॉइंट हो वो स्ट्रांग हो जाए। अब चलते हैं कि नेक्स्ट इसका फैक्टर कि जो 3 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है उसमें कुछ डेज होते हैं जब ये त्रिपुष्कर योग बनता है, जैसे मंगलवार का दिन हो, रविवार का दिन, शनिवार का दिन, और इन तीनों डेज में जो नक्षत्र हैं और नक्षत्र प्लस डेज, ये दो अगर के कॉम्बिनेशन, और ख़ास करके उसमें कहते हैं कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 3 चरण अगर किसी एक राशि में पड़ रहा है और 1 चरण किसी दूसरी राशि में पड़ जाता है तो भी ये जो योग है ये योग बनता है और ये स्ट्रांग योग माना जाता है। अब 30 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अब देखिए बन गया ना कॉम्बिनेशन त्रिपुष्कर योग का, ट्यूसडे का दिन प्लस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और 30 तारीख की जो तारीख है, ये योग आपके लिए बन रहा है त्रिपुष्कर योग इस दिन। अब यहाँ पर ये योग जो है ये पूरा दिन रहने वाला है, यानी अच्छे काम करने वाला ये योग जो है फुल डे रहेगा। सुबह 7:06 से ये शुरू होगा और रात्रि को अगर हम कहेंगे 30 की रात्रि और 1 तारीख लग जाती है 12 बजने के बाद, और 12 बजने के बाद जो 1 तारीख लग रही है उसमें जैसे सुबह के 4:09 पर, यानी यह आपकी 1 तारीख हो जाएगी, 1 तारीख की सुबह सुबह 4:09 तक ये नक्षत्र है, यानी 30 के पूरा दिन आपके पास है नक्षत्र है, 30 के पूरे दिन में आप किसी भी काम को कर सकते हैं। अपने घरों में पूजा पाठ भक्ति कीजिए, इसका 3 गुना लाभ मिलेगा। आप कुछ दान कीजिए, इसका 3 गुना लाभ मिलेगा। आप जो अपना बिजनेस खोलने वाले हैं, आप देखिए बिजनेस खोलिएगा, जो चेन की कामना करते हैं ना कि मैं एक बिजनेस खोला तो इसके बहुत सारी चेन बनाऊं मैं, तो आपको 3 गुना लाभ मिलेगा। आप धन इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, आप देखिएगा कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीदिए, प्रॉपर्टी बनने लगती है, कितना अच्छा फ़ायदा देते हैं। तो ये देखिए आपको 3 गुना यहाँ पे लाभ मिल रहा है। पढ़ाई करने वाले बच्चे जो नहीं करते हैं ना, उनको बिठाइए, आप इस दिन बिठाइए, ज़रूर बिठाइए, और इतने प्यार से बिठाइए, ज़बरदस्ती डंडा लेकर पीछे ना पड़ जाइएगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं। ये तो हो गया कि आपने पुश कर दिया और सामने वाले को सता करके आपने बिठा दिया, बड़े तरीके से मैनुपलेट करके उनके नाइसली एक ऐसा कुछ क्रिएशन करके, या हो सकता है उस दिन नए टीचर को आप उनको इंट्रोड्यूस करें, या कुछ, कहने का मतलब ये कि कुछ उनको बहुत पीसफुली आप उन्हें एजुकेशन करवाइए, बेनिफिट मिलेगा, बैठना शुरू कर देगा बच्चा आपका पढ़ना, यानी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे कर्म ये आप कीजिएगा। आप मंत्रों के जाप करिएगा, मंत्र आपका मन करेगा उसके बाद पढ़ने को, तो कंठस्थ होना शुरू हो जाएंगे, यानी ये सारी चीज़ें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेस खोल लीजिए, नौकरी कर लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, सिर्फ उनकी नहीं, अपने कर्मों में भी तो कई गुना हम इजाफा चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कर्मों को बढ़ाना शुरू करिए ना आप, ताकि कर्मों को अगर हम इन्हेंसमेंट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी देखिए किस दिशा की तरफ चलने लगती है। तो त्रिपुष्कर योग जो है ये सिर्फ कहीं सीमित नहीं है, इसीलिए हमने आपको जो इसका बैड फैक्टर आ रहा है, जहाँ भी ये आपको परेशान कर सकता है, अब त्रिपुष्कर का हमेशा यही होता है कॉन्सेप्ट कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसका एडवर्स रिजल्ट देखिए क्या, बुरी चीज़ को भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा, खराब चीज़ को भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वहाँ सेफ्टी नहीं चाहिए आपको, आपको सबसे पहले वहाँ सेफ्टी चाहिए, और वहाँ उस हर व्यक्ति को सेफ्टी चाहिए कि उनके साथ दोबारा बैक टू बैक घटनाएं ना हो। तो कितना बड़ा अच्छा कर्म आपने सुधारा, क्योंकि उनको अवेयर कर दिया आपने, उनकी सुरक्षा कर दी आपने, उनकी रक्षा कर दी, उनको एक पाथ बता दिया। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सेफ्टी वीडियो एक्चुअली, कि इसका लाभ तो मिलेगा, इसका बेनिफिट तो मिलेगा आपको, लेकिन ये बेनिफिट जो है ये कहीं दूसरे तरीके का बेनिफिट ना बन जाए, यानी हमारे लिए कोई एक प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए चीज़। तो अच्छा पहलू भी है इसका, दूसरा पहलू भी है, तो दोनों पहलुओं को समझ करके आप ये कार्य को कीजिएगा, क्योंकि जो घटनाएं होते हैं वो आपके हाथ में नहीं है, बट बचाव आपके हाथ में है, नेक्स्ट आगे फर्दर चीज़ों को संभाल रखना ये आपके हाथ में है। तो आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए।
सो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।